आज की इस क्लास में हम लोग जब बूलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे, हमारा कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम के होते हैं, उनके मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली है। आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यार अलजेब्रा का वर्ड आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, लाइक आपने आठवीं क्लास पढ़ी है तो आठवीं क्लास में यार आपने मैथ देखा होगा। तो ये अलजेब्रा हमारा मैथ में भी है और थोड़ा कंप्यूटर में भी है। अब अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा है क्या, इसे एक दफा देख लें। इसे बताते हैं यार, जॉर्ज बूल ने जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था। और अब इसमें है क्या, अब इसमें ये है कि यार हम इसमें क्या पढ़ रहे होंगे, हम इसमें इस टाइम पढ़ रहे होंगे कि यार लॉजिकल ऑपरेशंस एंड ट्रुथ वैल्यूज की हम लोग बात कर रहे होंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी बात कर रहे होंगे और ट्रुथ वैल्यूज, ठीक है, हम लॉजिकल ऑपरेशन प्लस ट्रुथ वैल्यूज। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं इंशाल्लाह मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो बूलियन अलजेब्रा में हम लॉजिकल ऑपरेशन पे काम करेंगे और ट्रुथ वैल्यूज पे काम करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि बूलियन अलजेब्रा में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बूलियन प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन एक जुमले को कहते हैं, एक सेंटेंस को कहते हैं जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होता है। यानी कि ऐसा जुमला जिसके आंसर जिसकी दो पॉसिबिलिटीज हों, या वो दुरुस्त हो या वो गलत हो। तो मैं एक जुमला यहाँ पे बोलता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि यार आज बुध का दिन है। अब अगर आज बुध का दिन है तो यार यहाँ पे प्रीपोजिशन ट्रू होगी, और अगर आज बुध का दिन नहीं है तो क्या होगा कि ये फॉल्स होगा। तो प्रीपोजिशन वो जुमला होता है जो या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जुमला लिख देता हूँ कि यार आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है। अब अगर तो आज बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। अच्छा, एक और चीज यार, हर जुमला प्रीपोजिशन नहीं होता। अब आप पूछेंगे सर कौन से जुमले जो प्रीपोजिशन नहीं है, तो यार एक मैं पूछता हूँ आप कैसे हो, अब आप कैसे हो, अब आप इसमें ट्रू फॉल्स नहीं हो, मतलब आप जो आप कैसे हो इसमें आपने ये बताना। तो ये जुमला प्रीपोजिशन नहीं है। लाइक मैं पूछता हूँ यार आपने खाना खाया, अब ये एक जुमला है, तो अब आप ये कहोगे यार ट्रू फॉल्स है इसमें, नो इसमें नहीं है। तो वो जुमले जो बिल्कुल सादा से हैं, लाइक आप कैसे हो, दरवाजा बंद कर दो, ये प्रीपोजिशन नहीं होते। प्रीपोजिशन वो जुमले होते हैं जिनका आंसर या तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आपका रिजल्ट 33% आया, तो अगर ये रिजल्ट 33% आया है तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हर वो जुमला जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें आंसर दे रहा होगा वो हमारे पास बूलियन प्रीपोजिशन कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और वर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। मैंने बताया कि एक जुमला जो होता है, लाइक मैंने कहा आज बारिश हो रही है, तो ये हमारे पास एक जुमला है, तो ये बूलियन प्रीपोजिशन है। कंपाउंड का मतलब होता है जब हम दो प्रीपोजिशन को मिला दें। इस तरह मैं लिखूंगा यार आज बुध है, ठीक है, आज बुध है और आज बारिश हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दो जुमलों को आपस में मिला दिया, यानी कि एक तो आज मैंने बुध का करा दिया और दूसरा मैंने और का साइन लगा के दो प्रीपोजिशन को मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन होगी। अब हम प्रीपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यार हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे लिख सकते हैं, बहरहाल आपकी बुक में पी और क्यू को रेकमेंड किया गया, हम लोग वही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज बारिश हो रही है, तो ये हो गया हमारे पास पी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार क्यू पे कि आज बुध है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू हो गया। तो हम प्रीपोजिशन को पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे भी पी का नाम दे सकते हैं, कोई भी हम इसको वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो आपने जब भी प्रीपोजिशन लिखनी है आपने या तो पी या क्यू या इनमें से कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रूथ वैल्यूज पे, तो यार ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रूथ वैल्यूज पे बात कर लें। यार देखो, हम मैंने कहा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एक जुमला होता है, अब उस जुमले का एक आंसर आ रहा होगा कि मैं जिस तरह से कहता हूँ कि आज बारिश हो रही है, अब इसका आंसर आएगा या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। अगर तो ये ट्रू है तो ये हमारे ट्रूथ वैल्यूज हैं। ये जो दो आंसर होते हैं ना ट्रू फॉल्स, इसे हम ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझा दूँ इसे, तो यार मैं देर कर देता हूँ, तो क्योंकि जगह कम होती है बोर्ड पे, तो इतनी सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज का टॉपिक सिर्फ आपको करवा रहा हूँ क्लियर इस टाइम, और बीच में प्रीपोजिशन को भी क्लियर करवा दूंगा। जिस तरह मैं कहता हूँ यार पी इक्वल टू टूडे
इज मंडे, ठीक है, आज पी रहा सपोज। तो अब इसका आंसर या तो ये ट्रू होगा या ये फोल्स होगा, सही है। तो अभी ट्रू और फोल्स इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ट्रूथ वैल्यूज, उर्दू में इस तरह से होता है ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है। तो ये इनमें से जो भी आंसर आएगा, जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज होगी। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है यार वो हमारा हो रहा होगा लॉजिकल ऑपरेशंस पर हो रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस को सीखेंगे, हम गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड और नॉट गेट क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार CWN Academy के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ये फेसबुक पेज ही देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।